हेलो फ्रेंड, ट्रिग्नोमेट्री से हमारी ये प्रॉब्लम है। इन द फॉलोइंग फिगर ए डी परपेंडिकुलर बी सी, ए सी इक्वल टू 26, सी डी इक्वल टू 10, बी सी इक्वल टू 42, एंगल डी ए सी इक्वल टू एक्स एंड एंगल बी इक्वल टू वाई, फाइंड द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट कॉट एक्स, सेकेंड 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर वाई, थर्ड 6 अपॉन कॉस एक्स माइनस 5 अपॉन कॉस वाई प्लस 8 टेन वाई। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं, और फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको साइड गिवन है उसको हम फिगर में मेंशन करते हैं। तो फर्स्ट है आपकी एसी इज 26, तो आपने एसी 26 मेंशन किया। देन सीडी इज 10, तो सीडी आपका हो गया 10, एंड बीसी इज 42, बीसी यानी यहां से यहां, तो ये हो जाएगा आपका 42, एंड एंगल डीएसी मेंशन है और एंगल बी भी आपका मेंशन है। तो फ्रेंड अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जो यहां फिगर में अननोन साइड हैं, बोथ ट्रायंगल यानी इस वाले ट्रायंगल में भी और इस वाले ट्रायंगल में भी, उनको पहले कैलकुलेट करते हैं। तो इसके लिए फर्स्ट हम ट्रायंगल लेते हैं ए सी डी, इसमें हम ए डी कैलकुलेट करेंगे। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए सी डी, तो यूज पाइथागोरस। तो पाइथागोरस, अब ये आपका 90 डिग्री है, तो एसी हाइपोटेनस हो जाएगा। तो एसी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। नाउ एसी इज 26 स्क्वायर, सी डी 10 स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। नाउ दिस विल गिव 676 मीन्स 26 का स्क्वायर माइनस, अब ये 10 है, 10 का स्क्वायर 100, और साथ में इसकी साइड भी हमें चेंज कर दी, ये इधर आ गया और ये हो गया आपका ए डी स्क्वायर। नाउ ए डी इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ दिस इज इक्वल टू 576, और इसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया और ये आपका आ गया 24। ओके फ्रेंड, तो ए डी आपका आ गया 24। नाउ अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं और इस ट्रायंगल में ए बी को कैलकुलेट करेंगे एंड बी डी को भी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी, नाउ फ्रेंड ए बी डी में आपकी जो बी डी है, बी डी इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी माइनस सी डी, क्योंकि ये टोटल आपकी 42 है और ये आपकी सी डी 10 है। तो 42 माइनस 10 ये हो गया आपका 32। नाउ 4 ए बी यूज पाइथागोरस। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। नाउ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी, जस्ट अभी आपने कैलकुलेट किया है, और ये है 24 इसका स्क्वायर प्लस बी डी अभी आपने निकाला 32 मीन्स 32 का स्क्वायर। नाउ ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू 576, 24 का स्क्वायर, 32 का स्क्वायर 1024। नाउ स्क्वायर करेंगे 1600 ए बी स्क्वायर, और ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 1600 और दिस विल गिव 40। अब हमने इस फिगर की सारी ऑन अननोन साइड्स को कैलकुलेट कर लिया है, बीडी को भी मेंशन कर लेते हैं, बीडी है आपका 32। नाउ अब हम इस फिगर की हेल्प से वन बाय वन इसको कैलकुलेट करेंगे। तो फ्रेंड एक बार फिर से देख लेते हैं, सबसे पहले ट्रायंगल लिया हमने ए सी डी, इसमें पाइथागोरस यूज किया, पाइथागोरस यूज करके हमने एडी को कैलकुलेट किया, क्योंकि यहां पर ए डी सी 90 डिग्री है, इसके अपोजिट में हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ये आपका ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, इसको सॉल्व करके हमारा ए डी 24 आ गया। देन सेकेंड ट्रायंगल लिया, इस ट्रायंगल में ट्रायंगल है ए बी डी, इसमें जो आपका बी डी है वो सिंपली इस पूरे में से यानी बीसी में से सी डी माइनस करके आ जाएगा, तो वो हमारा बी डी हो गया 32।
नाउ अगेन पाइथागोरस यूज किया और इसकी हेल्प से हमने ए बी निकाला। ए बी क्योंकि हाइपोटेनस है बिकॉज ऑफ दिस राइट एंगल, तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और ए डी की वैल्यू 24 स्क्वायर, बी डी की वैल्यू 32 स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करके आपका ए बी आ गया 40। नाउ फ्रेंड अब हम वन बाय वन इनको कैलकुलेट करेंगे, तो देखते हैं। इन फर्स्ट पार्ट आपको कैलकुलेट करना है कॉट एक्स, और कॉट एक्स आपका है यहां पर, तो मींस आपको ट्रायंगल लेना होगा ए सी डी। तो आप ये बोलेंगे इन ट्रायंगल ए सी डी। नाउ कॉट एक्स जो होता है वो होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो कॉट एक्स इज इक्वल टू बेस। अब एंगल यहां पर है तो बेस हो जाएगा ए डी अपॉन परपेंडिकुलर, ये बनेगा सी डी। तो ए डी इज 24 और सी डी इज 10, देन यू गॉट 2.4। नाउ सेकंड की अगर हम बात करें तो सेकंड में आपको कैलकुलेट करना है 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर वाई, और दोनों में ही वाई है तो आपका ट्रायंगल होगा ए डी सी, क्योंकि वाई एंगल आपको इसमें है तो आप यहां पर भी मेंशन कर लेंगे इन ट्रायंगल ए डी बी। नाउ साइन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ये स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, और टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका भी होल स्क्वायर। नाउ फ्रेंड अब यहां पर परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस और बेस की बात करें तो इस फर्स्ट पार्ट में जो परपेंडिकुलर होगा वो हो जाएगा 24, हाइपोटेनियस 40, और इसका ये होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन परपेंडिकुलर इज 24, बेस हो जाएगा आपका 32 और ये होल स्क्वायर। नाउ फ्रेंड आप इसको रिड्यूस कर लीजिए इसी फ्रैक्शन में, 6 8 थ्री जा और 8 फाइव जा, 8 थ्री जा और 8 फोर जा, क्योंकि आपका ये 32 है। नाउ अब 1 अपॉन 3 बाय 5 होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 बाय 4 होल स्क्वायर। नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 अपॉन दिस वन इज 9 अपॉन 25 माइनस 1 अपॉन 9 अपॉन 16। नाउ ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो ये आएगा 25 अपॉन 9 माइनस 16 अपॉन 9। नाउ डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर डायरेक्टली सबट्रैक्ट हो जाएंगे, तो 25 माइनस 16 9 और 9 अपॉन 9 इससे कैंसिल होकर आपको मिल गया 1। ओके फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड, एक बार फिर से देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में सिंपली आपको कॉटेक्स निकालना था, ये होगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यहां पर बेस और परपेंडिकुलर को हमने मेंशन कर लिया और उससे इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया, जिसका आपका आंसर आया 2.4। नाउ सेकंड पार्ट की बात करते हैं, सेकंड है 1 अपॉन साइन स्क्वायर वाई माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर वाई, यहां पर इनके हमने फॉर्मूले को मेंशन किया एंड देन इनकी वैल्यू इस ट्रायंगल में जो कि हमने यहां पर मेंशन भी कर दिया है ए डी बी पुट किया और इसको सॉल्व करके आपका आ गया 1। नाउ वन मोर पार्ट लेफ्ट, अब इसको भी देखते हैं। नाउ इन लास्ट पार्ट आपको जो कैलकुलेट करना है 6 अपॉन कॉस एक्स माइनस 5 अपॉन कॉस वाई प्लस 8 10 वाई। नाउ फ्रेंड अगर आप यहां पर देखते हैं तो x और y यानी x और y दोनों ही एंगल यूज किए गए हैं, इसका मतलब दोनों ट्रायंगल से आपको वैल्यूज की नीड होगी। तो फ्रेंड स्टार्ट करते हैं cos x, और cos x जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और tan की बात करें अगर तो tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये आपके फॉर्मूले होते हैं।
नाउ अब हम इसको यहां पर कैसे यूज करेंगे, cos x मींस दिस ट्रायंगल की बात हो रही है, यहां पर बेस है AD, तो AD अपॉन हाइपोटेनियस मींस AC, इसको हमने ब्रैकेट में कर लिया। नाउ माइनस 5 अपॉन अगेन, लेकिन अब यहां पर है y, और y के लिए आपका बेस BD और हाइपोटेनियस की बात करते हैं तो ये है आपका AB प्लस 8। नाउ 10 y परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी दिस एंगल, और परपेंडिकुलर है आपका AD, और बेस की बात करें तो बेस है आपका DB। नाउ अब हम इन वैल्यूज को पुट करते हैं, 6 अपॉन AD इज 24 और AC इज 26 माइनस 5 अपॉन BD यानी के 32 अपॉन AB, AB इज 40 प्लस 8। नाउ AD इज 24 और BD इज 32। नाउ फ्रेंड यहां पर ये फ्रैक्शन थोड़े सिंप्लीफाई हो सकते हैं, तो पहले हम इसको सिंप्लीफाई भी कर लेते हैं। 8 4 जा और 4 6 जा, बिकॉज ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई में है इसलिए रिड्यूस हो गया। अगर यहां पे प्लस प्लस का साइन होगा या कोई और साइन होगा तो यहां पर ऐसे रिड्यूस नहीं होगा, वो अक्सर हम एरर कर जाते हैं, इसका ध्यान रखना मल्टीप्लाई में है इसीलिए ये रिड्यूस हो गया। नाउ इसकी बात करें, 8 4 जा और 8 5 जा, नाउ ये हो जाएगा 12 जा और ये हो जाएगा 13। नाउ फ्रेंड 6 इंटू 13 अपॉन 12, ये 13 आपका ऊपर हो जाएगा 12 डिनोमिनेटर में, माइनस ये 5 न्यूमरेटर में, तो 5 इंटू 5 अपॉन 4 प्लस इसकी बात करें तो ये हो गया आपका 6। नाउ 6 2 जा और ये आपका कैंसिल नहीं होगा। नाउ फ्रेंड अब अगर आप देखते हैं तो ये हो गया 13 अपॉन 2 माइनस 25 अपॉन 4 प्लस 6। नाउ अब हम डिनोमिनेटर में इनका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम आएगा आपका 4 और ये हो गया 26 माइनस 25 प्लस 6 4 जा 24, क्योंकि आपका यहां 1 है तो 4 को 1 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा और 4 की मल्टीप्लाई 6 से 24। नाउ अगर इसकी बात करते हैं तो ये आ गया आपका 25 अपॉन 4, दिस कैन बी रिटन एज 4 6 जा 24 1 बाय 4 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम क्लियरली, एक बार फिर से देख लेते हैं सिंपली। 6 अपॉन ये आपका क्वेश्चन है, अब जो भी हमारे रेशो होते हैं उसको हमने यहां पे मेंशन कर लिया, cos x इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस और 10 होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। नाउ अब हमने जिस ट्रायंगल के लिए भी यूज किया है उसका साइड नेम रखा है, इसका बेनिफिट ये होगा कि जो हाइपोटेनियस यहां पर, क्योंकि हाइपोटेनियस और बेस सो सभी 2-2 टाइम्स आ रहे हैं, तो किस बेस और किस हाइपोटेनियस की वैल्यू आप ले रहे हैं उसको आपने नेम कर दिया, देन उनकी वैल्यूज को पुट किया और आपको 6 अपॉन 24 अपॉन 26 इसको आपने 2 से रिड्यूस किया तो आया 12 और यहां आया 13। 5 अपॉन 32 अपॉन 40 इसको आपने 8 से रिड्यूस किया 4 और ये 5। नाउ 8 इंटू 24 अपॉन 32 इसको पहले आपने 8 4 जा और फिर 4 6 जा तो यहां पर 6। नाउ अब वैल्यू 13 रेसिप्रोकल के ऊपर हो जाएगी तो आपका 6 इंटू 13 अपॉन 12 ये 12 आपका डिनोमिनेटर में मिल जाएगा। नाउ ये 5 आपका ऊपर तो 5 इंटू 5 अपॉन 4 प्लस 6। नाउ 13 अपॉन 2 माइनस 25 अपॉन 4 प्लस 6 अपॉन 1। नाउ 4 एज एलसीएम तो आपका आ जाएगा 4 को 2 से डिवाइड करके ये 2 और 2 की मल्टीप्लाई 13 से 26 ये आपका 25 ही और ये आपका आ जाएगा 24। देन इसको सॉल्व किया तो 25 अपॉन 4 और इसको मिक्स फॉर्म में किया तो 6 कंप्लीट 1 बाय 4 इज योर आंसर। ओके फ्रेंड आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल पार्ट क्लियरली, थैंक यू।